हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए और मजे में होंगे। सो आज गाइस मैं फिर से लेके आ गया हूँ गाड़ी चलाना कैसे सीखेगा दूसरा पार्ट, क्योंकि वो छोटा था और मैंने सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बताई थी कैसे चला सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि खुली जगह में गाड़ी लेके जानी है। जैसे ये मैं लेके आ रखा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल खुली जगह है, कोई मतलब कोई व्हीकल आता जाता है नहीं, ऐसे बिल्कुल खाली रहता है, नॉर्मल ऐसे रहता है। ये फार्म से हमारे यहाँ पुष्पांजलि फार्म से वहाँ लेके आया हूँ। तो गाइज उस दिन मैंने जो आराम से मतलब होता है जैसे नॉर्मल तरीके से चलाना सिखाया था, आज मैं टेक्निकल मतलब इसमें क्या इंडिकेटर डिपर वगैरह लाइट वाइपर सब कुछ की डिटेल्स दूंगा और कैसे चलाते हैं उसका पूरा अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। सो गाइज आपको अगर अच्छी तरह गाड़ी चलाना सीखना है तो इस वीडियो में बने रहे और पूरी वीडियो देखे विदाउट स्किप। सो गाइज ये मेरी गाड़ी 2011 मॉडल वैगनार है। इसमें ये मतलब टॉप एंड वेरिएंट है, वैसे इसमें सारे फीचर्स तो आते हैं, मतलब रियर वो रियर वाइपर भी आता है, फ्रंट वाइपर भी आते हैं। तो गाइस इसमें दिखाता हूँ मैं अंदर ये टेक्निकल चीज़ है वो सारी। सो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसका टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिक फीचर्स। सो गाइस ये होता है अपना जो राइट हैंड साइड होता है ये लीवर, ये वाला, ये ऊपर करोगे तो राइट हैंड साइड का इंडिकेटर चलेगा, नीचे करोगे लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर चलेगा, और ऊपर करोगे तो ये डिपर मारता है ऐसे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये मतलब लाइट के लिए, और नीचे करोगे तो अपना लो बीम जलेगी और इससे हेडलाइट ऑन हो जाती है। और अपना ये जो होता है इधर नीचे की साइड, मैंने वैसे आफ्टर मार्केट सीएनजी लगा रखी है इसका, ये बीआरसी का है, और ये होता है अपना क्या कहते हैं फोग लैंप का। और सो गाइस ये तो आपको पता ही होगा एसी वगैरह के लिए, ये एसी के लिए एसी ऐसे चला सकते हैं। और ये होता है अपना सिस्टम जो बाव जमदा थी उसको हटाने के लिए, ये अपना एसी को कहाँ शिफ्ट करना है वो होता है। और अपना गियर, ये गियर होता है, ये हैंड ब्रेक होता है, और जो ये दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो लीवर होता है इसमें होता है ये वाइपर के लिए, जो फ्रंट वाइपर होते हैं इसको ऊपर करते हैं तो सिर्फ सिंगल बार जलता है और नीचे होते हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। और ये है रियर वाइपर के लिए, इसको घुमाओगे तो रियर वाइपर चल जाएगा। और तो गाइस ये थी अपनी इलेक्ट्रिकल जो इसमें चीज़ें लगी हुई है मतलब जो फीचर्स हैं वो। और इसके बाद स्टार्ट होता है अपना नॉर्मल जो होता है सब में, ये होती है रेस एक्सलेटर ब्रेक और क्लच, ये तीनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड है वो है क्लच, बीच में होता है ब्रेक, और सबसे राइट हैंड साइड होता है वो होता है एक्सलेटर। सो गाइस मैं आपको गियर के बारे में बताता हूँ। तो गियर है ना, आप खड़े खड़े में एक बार ट्राई कर लेना कि कैसे शिफ्ट होते हैं। तो गाइस राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप दबा के ऊपर दबाओगे तो फर्स्ट गियर में लग जाएगी, और इसी से ही राइट हैंड दबा के नीचे दबाओगे तो सेकंड गियर में, और यहाँ से सेंटर में ला के थर्ड गियर, और वहीं से नीचे कर दोगे तो फोर्थ गियर, और ये आपका फिफ्थ गियर लग गया। फिफ्थ गियर लगने के मतलब, और ये आपके पांच गियर हो गए, और आपको रिवर्स में लेना है तो नीचे दबा के, और बिल्कुल राइट हैंड साइड दबा के नीचे दबा देना है, तो ये आपका बैक गियर रिवर्स का गियर लग गया है। तो ये था गियर के बारे में। सो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और आप जैसे ही गाड़ी में बैठोगे मतलब चलाने के लिए बैठोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है अपना सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट जो दुनिया के मतलब जो भी दुनिया में 90% एक्सीडेंट होते हैं उसमें जान बचा लेता है सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट सबसे ज़रूरी है। सो गाइस गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर चेक करें कि गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है। सबसे पहले आप क्लच दबाइए, क्लच दबाने के बाद ब्रेक दबा लीजिए, क्योंकि गाड़ी अगर स्लोप में खड़ी हो तो आगे पीछे जा सकती है, चाहे पीछे के साइड हो चाहे आगे के साइड हो, अपने आगे पीछे जा सकते, तो ब्रेक और क्लच दबाना ज़रूरी है। उसके बाद आप हैंड ब्रेक जो होता है उसको नीचे कर लीजिए, क्योंकि ये ऊपर रहता है वैसे नॉर्मली ऊपर रहता है जब भी गाड़ी कोई खड़ी करता तो। और हाँ एक बात गाइस, अगर आप जानते नहीं बिल्कुल गाड़ी चलाना हो और अभी अभी नए नए सीख रहे हो, तो जो जानता है गाड़ी उसको अपने साथ लाइए, और ऐसी खुली जगह में लाइए। खुली जगह में लाओगे तो मतलब आप सही से सीख पाओगे, और जो नॉलेज है वो धीरे धीरे आ जाएगी आपको, गियर कैसे शिफ्ट करें कैसे नहीं करें मतलब सारी चीज़ पता चलेगा। तो गाइस हम लगाते हैं अपनी चाबी गाड़ी का और स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। सो गाइस न्यूट्रल है अपना गियर और हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट। लो जी अपनी गाड़ी हो गई स्टार्ट, और सबसे पहले हम करेंगे अपना क्लच दबाएंगे, क्लच दबा के और अपना फर्स्ट गियर लगाएंगे, इसमें गियर लिखे होते हैं वैसे, तो अपना फर्स्ट गियर लगाना है। और गाड़ी चलाओगे मतलब जैसे क्लच दबा के अपना क्लच को एकदम से मतलब एक झटके से नहीं छोड़ोगे, क्लच छोड़ोगे बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, और फिर धीरे धीरे आपको एक्सीलेटर इंक्रीज़ करना मतलब
आरपीएम बढ़ाना, जैसे आरपीएम बढ़ता है वैसे अपना एक्सलेटर दबाते रहो धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे अपना एक्सलेटर और धीरे धीरे अपना क्लच छोड़ते रहो और आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी ऐसे। सो गाइस गाड़ी आगे बढ़ने लगी है, देखिए गाड़ी आगे बढ़ने लगी है और खुली जगह है और सेकंड गियर जैसे थोड़ी सी आगे चलती है, मतलब आरपीएम 200 जाता है तो आपने गाड़ी को दूसरा गियर में शिफ्ट कर लेनी है और धीरे धीरे ऐसे ऐसे गियर टेक्निकली शिफ्ट होते रहेंगे। तो गाइस इसके बाद आपको सबसे पहले, ये तो अभी खुली जगह है, उस अगर आप कहीं रोड पे हो कहीं सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों जो मिरर है अपना रियर मिरर और ये सारा सामने वाला मिरर सब में देखना है कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, आगे कोई बच्चा तो नहीं है, पीछे नीचे गाड़ी के नीचे कुत्ता मतलब कोई जानवर वगैरह तो नहीं है, आपको ये सब कुछ चेक कर लेना है। सो गाइस इतना सीखने के बाद आप बिल्कुल मतलब आप नॉर्मली चला लोगे गाड़ी, और ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको सिखाया आपको बताया। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर आपको कुछ मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में पिन कर देना कि हाँ भाई ये मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूंगा, और अगर आपको वीडियो चाहिए उस बारे में तो वीडियो भी बना दूंगा, उसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा, मतलब यूट्यूब वीडियो मतलब अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज करवा दीजिए और गाइस फुल दिल खोल के प्यार दीजिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए Yeah.